Hello friends and welcome to Econo Hub. So friends, in today's video we are going to learn functional versus object oriented approach. So friends, start करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं functional approach या functional language किसे कहते हैं. So friends, जो functional language होती है ना, वो वहाँ पे useful होती है जहाँ पे हमारे पास जब कोई fixed set of things होती हैं. जैसे जैसे आपका कोड इवोल्व होता रहेगा ना, वैसे वैसे आप primarily उसके अंदर न्यू ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं. ये कैसे होगा? By adding new functions which compute with existing data types, जो हमारे पिछले data types हैं उसके साथ add करके, और जो पिछले existing functions हैं जो हमारे left alone हो जाते हैं उसके साथ हम add कर करके हमारा code evolve कर सकते हैं friends. और friends, एक overview object oriented approach language का. So friends, object oriented language हम वहाँ पर use कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास fixed set of operation तो होते ही हैं. जैसे code हमारा बढ़ेगा वैसे हम add करेंगे. पर ये कैसे अचीव होगा? ये हमारा इस तरीके से अचीव होगा कि हम इसके अंदर नई क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं पिछले मेथड में, और जो पिछले मेथड में जो क्लासेस बचती हैं उनके अंदर हम न्यू मेथड अप्लाई करते हैं. इसके अंदर जो भी हमारे पास डाटा टाइप बचता था हम वो ऐड कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर हम जो न्यू मेथड अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, वो क्लासेस के ज़रिए करते हैं. और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ बोथ द लैंग्वेज पैराग्राम्स अकॉर्डिंग टू आर नीड. हम इसके जो अंदर जो फंक्शनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें से हम अपनी नीड के अनुसार कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं लाइक पाइथन, जावा एक्सेट्रा, जो हमारी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को भी अप्रोच करती है और फंक्शनल को भी अप्रोच कर सकती है. तो जैसी हमारी नीड होती है हम उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अब इसका डिफरेंस पढ़ते हैं कि फंक्शनल और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है इसके अंदर क्या मेन मेन डिफरेंसेस हैं. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट दिस प्रोग्रामिंग पैराडिंग. तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग पैराडिंग किसे कहते हैं? सो फ्रेंड्स, ये एक स्टाइल है या एक तरीका है प्रोग्रामिंग का. प्रोग्रामिंग पैराडिंग्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बेस्ड ऑन द फीचर्स एंड द स्टाइल दे सपोर्ट. ये आपस में एक दूसरे तरीके से अलग होता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. इसके फ्रेंड्स सेवरल फीचर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, जैसे कि मॉड्यूलैरिटी, ऑब्जेक्ट्स, इंटरप्ट्स और इवेंट्स, कंट्रोल फ्लो एसेट्रा. ओके फ्रेंड्स, एवरी प्रोग्रामिंग पैराडिज्म हैज़ इट्स ओन एडवांटेज, सो इट इज़ बेटर टू नो वेयर टू यूज़ इट बिफोर एक्चुअली यूजिंग इट. हर पैराडिज्म्स के हमारी एक इंपॉर्टेंट होती है इंपॉर्टेंस, यानी किसी भी लैंग्वेज की, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फीचर्स होते हैं मॉड्यूलैरिटी, ऑब्जेक्ट, इंटरप्ट्स और इवेंट्स, कंट्रोल फ्लो एसेट्रा, तो हम उसको किस अकॉर्डिंगली किस किस तरीके पर किस किस जगह यूज़ करेंगे, सो वो उस पे बेस करेगा. सो फ्रेंड्स, दिस प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स एम्फेसिस इज ऑन द यूज ऑफ फंक्शंस वेयर द ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. इसकी जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है फ्रेंड्स, वो हमारी फंक्शंस के ऊपर बेस करेगी, यूज करेगी, जहाँ पे हमारे फंक्शन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारी क्लासेस यूज होंगी वेयर इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अप्रोच फ्रेंड्स, आप उसे समझते हैं कि एक जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है. इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं अपनी लैंग्वेज को कोड करने के लिए. देन फ्रेंड, इसका सेकेंड पॉइंट है फंडामेंटल एलिमेंट्स आर यूज्ड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, द डाटा इन द फंक्शंस आर इम्यूटेबल. फ्रेंड्स, जो ये फंडामेंटल एलिमेंट हैं जो इसके अंदर यूज़ होते हैं वो हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस. फंडामेंटल एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म की अलग अलग यूज़ होते हैं, तो इसके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल और फंक्शंस हैं. और जो डाटा है इसका वो इम्यूटेबल डाटा है, यानी एक बार हमने कोड लिख लिया तो वो हमारा चेंज नहीं हो सकता. और फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर क्या है? एलिमेंट्स आर यूज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है तो हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स एंड डाटा यूज्ड हेयर आर म्यूटेबल डाटा, जो चेंजेबल डाटा होता है. म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, कि एक कोड लिखने के बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. देन फ्रेंड्स, इस थर्ड इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू द डाटा बट टू फंक्शन. रैदर देन डाटा को इंपॉर्टेंस देने की बजाय हम फंक्शनल अप्रोच के अंदर फंक्शन को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं. इंपॉर्टेंस इज गिवन टू डाटा रैदर देन प्रोसीजर्स. इसके अंदर डाटा की बजाय हम प्रोसीजर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. देन फोर्थ पॉइंट, इट यूजेस रिकर्जन्स फॉर इटरेशंस. रिकर्जन्स मीन फ्रेंड्स, अगर एक पॉइंट आया तो हम पिछले पॉइंट पर वापस जा सकते हैं, उसको रिकर्सिवली हम यूज़ कर सकते हैं. देन इट यूजेस लूप फॉर इटरेशन, कोई भी इटरेशन करने के लिए ये लूप इस्तेमाल करता है. इट इज़ पैरेलल प्रोग्रामिंग सपोर्टेड,
इसके अंदर फ्रेंड्स पैरेलल प्रोग्रामिंग सपोर्टेड होती है एंड देन इट डज नॉट सपोर्ट पैरेलल प्रोग्रामिंग. देन टू ऐड अ न्यू डाटा एंड फंक्शंस आर नॉट ईजी फंक्शनल अप्रोचेस के अंदर, क्योंकि हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया. इसके एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर हम फंक्शंस के जरिए ही ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स. तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो फंक्शन है ना वो ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसके अंदर ये एक ईजी तरीका प्रोवाइड कर देता है न्यू डाटा और फंक्शंस को ऐड करने के लिए. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारा एक ईजी मेथड प्रोवाइड कर देता है जिसके जरिए हम न्यू डाटा और फंक्शंस के अंदर ऐड कर सकते हैं. देन सेवन पॉइंट इज नो डाटा हाइडिंग इज पॉसिबल, क्योंकि फ्रेंड्स ये फंक्शनल ऑब्जेक्ट फंक्शनल अप्रोच है. सो फ्रेंड्स इसके अंदर डाटा हाइडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होती है, डाटा हाइडिंग इसमें होती नहीं है, जिसके जरिए हमारी जो सिक्योरिटी होती है ना वो सिक्योरिटी इज़ नॉट पॉसिबल, जो हम उसको सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते. लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर डाटा हाइडिंग भी पॉसिबल है और इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी भी एडवांस्ड रहती है. देन एट पॉइंट इज द स्टेटमेंट इन दिस डज नॉट नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर वाइल एग्जीक्यूशन. इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होगी फ्रेंड्स तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के जरिए एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो रैंडमली एग्जीक्यूट हो भी सकती है. देन इसके अंदर क्या है, द स्टेटमेंट इन दिस नीड टू फॉलो अ ऑर्डर डैट इज बॉटम अप अप्रोच वाइल एग्जीक्यूशन. ये एक पर्टिकुलर अप्रोच ही फॉलो करेगी अपनी एग्जीक्यूशन के लिए. फ्रेंड जो बॉटम अप अप्रोच है वो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो फ्रेंड्स आप वो भी रेफर कर सकते हैं कि बॉटम अप अप्रोच क्या होता है. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बॉटम अप अप्रोच मीन्स फ्रेंड हमारे पास बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं जिसके जरिए बॉटम अप यानी फ्रॉम डाउन टू टॉप हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बिल्ड करते हैं. तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो करती है जो कि हमारी बॉटम अप अप्रोच. सो फ्रेंड्स बॉटम अप अप्रोच के लिए आप प्रीवियस लेक्चर रेफर करें, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच कहाँ कहाँ यूज होती है, उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो फ्रेंड्स ये थी हमारी फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेरी है सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.